नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों स्वयं महादेव आएंगे आपके घर। दोस्तों यह एक गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना 7 जन्मों तक आप पछताते रह जाएंगे कि हाय राम, हमसे यह कौन सी भूल हो गई थी, हमसे कौन सी गलती हो गई थी। जी दोस्तों, दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि भगवान सभी के घर नहीं आते हैं, उन्हीं के घर आते हैं जिनके अच्छे कर्म और अच्छे पुरुषार्थ होते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जिनके अच्छे कर्मों का भांडा भर जाता है, तो दोस्तों एक न एक दिन भगवान उनके भांडे को फोड़ने के लिए अवश्य आते हैं। हालांकि दोस्तों यह बात सच है कि भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते, लेकिन दोस्तों वेश बदलकर संकेत देकर उनकी मदद जरूर करते हैं। जी दोस्तों, और आने वाले 4 दिनों के अंदर भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है जो कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन आपको होगा। बस आपको पहचानने की जरूरत होगी और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम सभी विधि विधान को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन से संकेत आपको मिलने वाले हैं, भोलेनाथ आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, आपके घर के माहौल में क्या क्या बदलाव होंगे, पार्थिव जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी सुधार होने वाली है और भोलेनाथ के चमत्कार से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण उपलब्धि आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से इस वीडियो में समाहित है, तो दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेंगे तो दोस्तों दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य आपका बहुत ही उज्ज्वल होगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से जिनका नाम है कण कण में है भगवान। जी दोस्तों, एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था कण कण में है भगवान। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए, यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था, सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था, हट जाओ हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया, वह वहीं खड़ा रहा यह सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है। भगवान को भगवान से कैसे डर, वह रास्ते के बीच में ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड से लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा कराता रहा, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सपाटे मित्र उसे उठाकर आश्रम ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखो हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, निश्चय ही हाथी में भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से हट क्यों नहीं गए। इसलिए दोस्तों हमें भी अपने जीवन काल में किसी भी शिक्षा को आद्योदरी समझकर प्रयोग में लाना हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होगी, हमारी मूर्खता होगी। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं कि अगले 4 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ आपको कौन से संकेत देने वाले हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको रखने होंगे, कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए ताकि भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो और आपके जीवन काल में सारी समस्याएं दूर हो जाए। ये दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों भोलेनाथ भंडारी बहुत ही भोले हैं, अपने भक्त के घर कभी भी बढ़ चढ़ कर नहीं आते हैं। जब भी आते हैं नंदी बाबा के रूप में आते हैं, यानी बैल के रूप में आ सकते हैं। यदि आपके घर में दोस्तों कोई बैल लेकर आए, चावल खिलाने के लिए लाते हैं कोई, तो दोस्तों इन्हें आपको भगवान भोलेनाथ का आधार मानना है, भोलेनाथ का संकेत मानना है कि 4 दिनों के अंदर भोलेनाथ आपके घर आए हैं।
ये दोस्तों इसको प्राणी दोस्तों आप सभी को बता दें, यदि आपके जीवन काल में कोई ऐसा साधु आ जाए जो कि मुंह पर हमेशा हर हर महादेव हर हर महादेव का नारा लगाते हो, तो दोस्तों इनसे भी आपको यह समझ जाना है कि भोलेनाथ आपके घर आए हैं। और दोस्तों आपको यश में कौन सी गलती नहीं करनी है, दोस्तों आपको यश में इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन काल में उन्हें मदद करने के लिए अगर कोई वस्तु है तो दोस्तों उन्हें ज़रूर मदद कीजिएगा, अगर ना हो तो दोस्तों उन्हें प्रणाम कर आप उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे दें। लेकिन दोस्तों धूतकारने की गलती भूल से भी मत करना, क्यों दोस्तों भगवान अक्सर ऐसे परीक्षा लेते हैं कि उनका भक्त उनके प्रति कैसी श्रद्धा रखते हैं। तो दोस्तों आने वाले 4 दिनों के अंदर आप इन बातों का ध्यान रखें, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए भोलेनाथ आप सभी के जीवन काल में सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। तो आए दोस्तों इसके उपरांत बात करते हैं कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी के घर के माहौल में प्रयोजन में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं और 4 दिनों के अंदर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। दोस्तों समाज व फिर परिवार में आपका यश में मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद भी यश में समाप्त हो रहा है। दोस्तों यश में संबंध दोबारा मधुर हो जाएंगे और आपका रुका हुआ व फिर सरकारी काम जो है यश में बनने का उत्तम समय है। अनुकूल परिस्थिति है आपके लिए, यश में आपका सभी रुके हुए काम बनने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अत्यधिक भावुकता की वजह से नुकसानदायक स्थितियां बन सकती है, ये भावुकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है तो इस पर ध्यान दें। यश में कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर ही लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दिल के बजाय दोस्तों यश में आपको दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा, तो दोस्तों इस बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए। अगर घर में कोई निर्णय संबंधी कार्य चल रहा हो तो दोस्तों उनमें विघ्न आने जैसी आशंका भी लग रही है। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्याएं कम होने लगेंगी। फिर भी दिन की शुरुआत में कुछ बड़ा सा आपका जो खर्चा हो सकता है दोस्तों ये आपका आत्मविश्वास भी यश में कम कर सकता है। दोस्तों नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अपनी दिनचर्या तथा व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आप लाएंगे। सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने में तथा समन्वय बनाकर रखने में कामयाबी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें क्योंकि यह समय धनदायक परिस्थितियां बनी हुई है। इसको बता दें दोस्तों यश में परिवार के सदस्यों को उनके तरीकों से कार्य करने ही दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे तथा उनका सहयोग करें दोस्तों, इनसे उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है तथा कुछ महत्वपूर्ण काम भी यश में रुक जाएंगे। इसको उपरांत दोस्तों यश में किसी बात पर जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से जब मौका का फायदा उठाना होता है तब आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अधिक संयम रखना भी आपके लिए यश में हानिकारक हो सकता है, इसलिए दोस्तों वक्त पर निर्णय लेना भी यश में आपको सीखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अगर घर में नवीन या फिर रखरखाव संबंधी कुछ योजना बन रही है तो दोस्तों उसे क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। यश में फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के भी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे दोस्तों, व फिर परिवारों के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकते हैं जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहने वाले हैं। इसको उपरांत दोस्तों अपनी भावुकता और उदारता पर आपको संयम रखना चाहिए, कोई आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, इस बात पर इसमें आपको गौर करना चाहिए। किसी के साथ भी बहुत अधिक विवादों में आप ना पड़ें और अपने काम से ही आप मतलब रखें दोस्तों, यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। रिस्क लेने की प्रवृत्ति से आपको यश में दूर रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आप शुभ बता दें कि यश में अंतराल में आपको आने वाले 4 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ के सबसे शुभ मंत्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार रोज आपको करना है। दोस्तों बिल्कुल भी आप इस मंत्र को भूल से भी ना छोड़ें और दोस्तों लगातार 4 दिनों तक करें। आपके जीवन काल में भगवान भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा संकेत आपको मिलेंगे, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए वे सभी बातें आपको पता चलेंगी। तो दोस्तों इस मंत्र को आप जरूर करें और साथ दोस्तों और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।